बेड के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। और नीम की डाली जो है सभी ऊपर है, इसको कटाई कर दिया, थोड़ी छंगाई कर दिया है, तो नीचे से ये डाली की मैं पहुंच नहीं पा रही थी, तो इसकी डाली तोड़ने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ गई हूँ। और अभी मैं इसकी डाली तोड़ूंगी, क्योंकि नीम के पत्ते पानी में उबालने हैं मुझे। तो देखिए मैं कैसे इसकी डाली तोड़ती हूँ। दोस्तों, नीम के पत्ते मुझे पानी में उबालने हैं, और नीम के पानी से सभी रोग दूर होते हैं। वैसे तो नीम के पत्ते खाने से ही सभी रोग दूर होते हैं, कभी बुखार भी नहीं आता है, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, पेट स्वस्थ रहता है, हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं। पर क्या है कि नीम के पत्ते जो हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं, थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, मुझे भी कड़वे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेती हूँ, और जो हमारे पीने का पानी है उसके अंदर मिला देती हूँ, तो हम वो पानी पीते हैं फिर। तो नीम के पानी पीने से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, और नीम के पानी पीने से पेट साफ रहता है, पेट के कीड़े भी मर जाते हैं, त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, मुहासे खुजली की समस्या नहीं होती है, और आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, और हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। और नीम की डाली जो है बहुत दूर दूर है, तो मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ तक। तो अभी एक डाली जो है मुझे दिखाई दे रही है, मैं उस तक पहुंच सकती हूं, और ये कोशिश कर रही हूं तोड़ने की, और ये मैंने तोड़ ली है। तो बहुत देर कोशिश करने के बाद ये डाली मैंने नीम की तोड़ ली है, और ये कई दिनों तक मुझे पत्ते उबाल लूंगी मैं पानी के अंदर। दोस्तों, मैं ज़िंदगी में पहली बार पेड़ पर चढ़ी हूँ, पहली बार, इससे पहले मैं कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ी हूँ, और पेड़ पर चढ़कर अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अभी मैंने इस बर्तन के अंदर आग जलाकर इसमें पानी डाल दिया है, और नीम की पत्तियां भी डाल दी है उबलने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और इसी तरीके से पानी जो हम गर्म करते हैं, नहाने के लिए गर्म करते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं, और इस पानी से नहा सकते हैं, इससे नहाने के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बुखार के अंदर हमें जिस व्यक्ति को बुखार है, उसे इस नीम के पत्तों का उबले हुए पानी से नहाना चाहिए, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इस पानी को पीने से भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जो ये इस साइड में है बर्तन, इसमें हम खिचड़ी बना रहे हैं, और दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो इस नीम से दांतों के कीड़े भी मर जाते हैं, तो ये नीम का पानी ज़रूर पिएं। और इस बर्तन के अंदर हम खिचड़ी बना रहे हैं, ये देखिए। और ये खिचड़ी मैं कैसे बनाते हैं, हम इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख लेना कि हमने कैसे बनाई है। और आज तो हमने ये बना लिया खिचड़ी, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है इस तरीके से, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना जिन्होंने नहीं देखा है। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि इतनी मेहनत कौन करे, पानी में उबाले नीम के पत्तों को रोज़ और फिर उस पानी को पिए। तो दोस्तों, हम कितना ही टाइम वेस्ट भी करते हैं पूरे दिन में, आप अपने दिन की दिनचर्या जो है देखिए, उसमें आप ज़रूर टाइम वेस्ट आधे घंटे के लिए तो करते ही होंगे। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, अगर नहीं भी मिलता है तो, क्योंकि सबसे ज़रूरी हमारा स्वास्थ्य होता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा पहला कर्तव्य है, हमारे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारा पहला कर्तव्य है, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, अगर नहीं भी मिले तो। और ये एक ऐसी औषधि है नीम, जिससे सभी रोग दूर होते हैं, और ये बहुत ही सरल और सीधा उपाय है कि हम सीधे ही पानी में पत्तों को उबाल सकते हैं, और ये नीम हर जगह मिलता है। आप कहीं भी हो, आपको नीम का पेड़ तो आपके गांव में मिल ही जाएगा, आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।